नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं बीएससी पार्ट टू में आपके लिए वेक्टर। वेक्टर बेसिकली जो है प्लस टू में आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, तो उसमें आपको वेक्टर दो तरीके से पढ़ाए गए होंगे। आपका डॉट पढ़ाया गया होगा, एक क्रॉस पढ़ाया गया होगा। तो वेक्टर का कंसेप्ट आपने प्लस टू से पढ़ा होगा, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। तो वेक्टर और स्केलर मतलब सदिश और अदिश, वहाँ से वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। वेक्टर का मतलब वो होता है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड हो, तो उस वेक्टर कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड उसको बोला, स्केलर उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। मतलब कहने का मतलब सिर्फ वजन हो और उसका कोई डायरेक्शन ना हो, मैंने दिशा ना हो, तो उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। ये क्लास नाइन्थ में अपने पढ़ा है, टेंथ में ट्वेल्थ में अपने पढ़वे किया है। यहाँ पे हम जो है कुछ वेक्टर का क्वेश्चन लिए हैं, ये बीएससी पार्ट टू का है। थोड़ा सा कंसेप्ट जो है बेसिक हम आइडिया लेंगे, प्लस टू पर बेस्ड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा एडवांस होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि वेक्टर में किस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो भी जो है ट्रिपल वेक्टर का। शुरू करते हैं। देखिए, हमको लाना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, एक सी क्रॉस ए। इसको सॉल्व करके लाना है ए बी सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ये लाना है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान दे देते हैं कि वेक्टर होता क्या है, कितने प्रकार से। तो वेक्टर बेसिकली दो तरह से होता है, एक डॉट का होता है, एक क्रॉस का होता है। अब कहिएगा डॉट कब लगता है, क्रॉस कब लगता है, डॉट की पहचान कैसे की जाती है, क्रॉस की पहचान कैसे की जाती है। मैं आपको एकदम बिल्कुल सरल बता देता हूँ, एकदम एक लाइन में उत्तर बता देता हूँ। देखिए, डॉट का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। कहने का मतलब परिमाण निकालना हो, कोई वैल्यू निकालना हो जो वेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई परिमाण निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना, तो उस समय अगर वेक्टर जो हम अप्लाई करते हैं उस समय डॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग क्रॉस तब निकालते हैं जब हम वेक्टर के रूप में ही निकालते हैं, यानी कि उस समय जो भी हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर के रूप में है। तो वेक्टर के रूप में निकालना हो तो क्रॉस मार दीजिए, स्केलर के रूप में निकालना हो तो डॉट मार दीजिए। ये ही आपको ध्यान देना है। एक बार और दोहरा देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। डॉट मारेंगे स्केलर के लिए जिस समय वेक्टर का कोई सवाल नहीं होगा, और क्रॉस तब मारेंगे जब वेक्टर के रूप में उसको लिखना होगा। देखिए ध्यान से, मैं उसको पहले समझा देता हूँ। ये आपको जो है दो तरह का वेक्टर होता है, एक क्रॉस होता है, एक डॉट होता है। तो डॉट तब इस्तेमाल करते हैं जब स्केलर के रूप में निकालना हो। किसके रूप में? स्केलर के रूप में। कहने का मतलब 5, 10 संख्यात्मक कोई भी वैल्यू हो सकते हैं जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ये एन हो, 5 न्यूटन भी हो सकता है, नहीं न्यूटन, कुछ और भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एनीबॉडी, स्केलर में जो भी हो जाए। अब ऐसा नहीं ले लीजिएगा कि कुछ वेक्टर ही हो, तो उसमें ऐसा वैल्यू मत ले लीजिएगा। तो ये डॉट हो गया। क्रॉस का होता है, तो क्रॉस का मैं ले लिया हूँ। क्रॉस का देखिए, अच्छा, क्रॉस का डिटरमिनेंट लिया जाता है, ए है तो a1 a2 a3, बी है तो b1 b2 b3, आई जे के होता है। अब इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो आई को सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आई को ढकेंगे, ये वाला ढक देंगे, ये वाला ढक देंगे, तो ये और ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने लिख दिया है इससे इसमें, और इसे यही लिखा दिया, माइनस दे दिया। फिर यहाँ पे एक बार डिटरमिनेंट में ये माइन प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस होता है। डिटरमिनेंट का कंसेप्ट है, अगर डिटरमिनेंट आप नहीं जानते हैं सॉल्व करना, तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं प्लस टू में यानी कि इंटरमीडिएट 12वीं क्लास में 4.1 से 4.4 तक डिटरमिनेंट है उसको मैं पढ़ा दिया हूँ, देख लीजिएगा। उसी तरह से जे का निकालेंगे, तो जे को ढक लेंगे, ये वाला पार्ट को ढक लेंगे, ये वाला देख लीजिए एक बार, और ये वाला ढक लेंगे, ये वाला ढक लेंगे, तो ये और ये, ये ये और ये मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे के लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर ये वाला ढक लेंगे, ये वाला, तो इसे और इसे ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए, ये सब के सब ये वेक्टर के रूप में आया, आई जे के रूप में आया है। तो इसको आई जे के रूप में आया है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर। लेकिन यहाँ पर देखिए आई जे बिल्कुल नहीं है, तो ये स्केलर हो गया है। तो डॉट का इस्तेमाल स्केलर के रूप में और क्रॉस का इस्तेमाल वेक्टर के रूप में, एकदम सरल शब्दों में याद रखना है। आइए मैं इस पर कुछ सिग्नल दे देता हूँ आपको। जब भी सेम डॉट, सेम वेक्टर के साथ डॉट मारेंगे तो उसका वैल्यू वन आता है। जैसे i.i1 होगा, j.j1 होगा, k.k1 होगा।
लेकिन डॉट में अगर डिफरेंस होगा, अगर आई डॉट हम जे कर देते हैं, आई जो आई डॉट जे, तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो अगर डिफरेंस का डॉट मारेंगे तो जीरो देता है, सेम का डॉट मारेंगे तो वन हो जाता है। क्रॉस में देखिएगा, क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस में अगर आई डॉट हम जे मारेंगे, ध्यान दीजिए, आई डॉट जे मारेंगे तो के दे देगा, अगला दे देगा ये वाला, आ जे डॉट के मारेंगे तो आई दे देगा, फिर आई के डॉट आई मारेंगे तो जे दे देगा। ध्यान हो कि एंटी क्लॉक होना चाहिए, ये घड़ी के विपरीत, चूँकि घड़ी जो है आपका घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी ये होता है, ये घड़ी आपका घड़ी का सुई होता है, तो घड़ी में जो सुई होती है वो आपको ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, इस तरीके से चलती है, इस तरह से चलती है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन हमने जो बताया है ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, समझा गया आप। तो एंटी क्लॉक में जब ये चलेगा तभी जा कर के देगा, जैसे आप क्लॉकवाइज ले लीजिएगा तो इसको आई डॉट के ये माइनस जे हो जाएगा, आई डॉट के माइनस जे, समझा गया। तो क्लॉक लेंगे तो निगेटिव देगा और एंटी लेंगे यानी एंटी क्लॉक लेंगे तो पॉजिटिव देगा। तो ये क्रॉस का कंसेप्ट था और ये डॉट का, बेसिकली ये प्लस टू में है, हमको यहाँ पे तो पढ़ाना है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे दी, हमको क्वेश्चन बताना है इसलिए आपको समझ में आ जाए। आगे देखिए, इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो मैं सॉल्व की शुरुआत जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं इसको बाहर कर ले रहा हूँ, ये दोनों को अंदर कर ले रहा हूँ। इससे होगा कि हम लोग क्रॉस दो ही का जानते हैं, एक समय दो ही का क्रॉस मारते हैं और दो ही का डॉटो मारते हैं, तो दो का क्रॉस और दो का डॉट, यहाँ पे तीन हुआ तो एक बार तीन अप्लाई करना मुश्किल है, तो मैं पहले दो कर लिया हूँ, इसको एक मान लिया, इसको एक, अब मैं इसको ऐसे रखूँगा, इसके जब लेमडा पुट किया हूँ इसको ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं ए के जगह पर बी लिख दिया हूँ और बी, और ये ए वाला पार्ट को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेमडा ए लिख दिया हूँ, मतलब लेमडा, अरे यहाँ पे ए आ गया, डॉट आ गया, चूँकि यहाँ पे इसके पहले डॉट है, डॉट लगा देंगे, और यहाँ से जब यहाँ से डॉट लगाएंगे तो इसी होगा। अब यहाँ से लेमडा देखिए इसके साथ करेंगे तो लेमडा ए, ये तो यहाँ पे आया है, तो ए लेमडा डॉट ए, लेमडा डॉट ए और डॉट सी, और यहाँ से करिएगा लेमडा के साथ तो लेमडा डॉट सी, और ये बाहर हो जाएगा, समझा गया। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि ए क्रॉस बी इक्वल लेमडा होता है, ठीक है। अब मैं ए वाला को बाहर कर ले रहा हूँ, इसको अंदर करूँगा, लेकिन मैं क्या किया हूँ, फिर यहाँ पे ए के जब मैं बी के जब ए ले लिया हूँ और सी, और इसको ऐसे ही रखना है, फिर यहाँ पे ए के जब मैं ए क्रॉस बी ले लिया हूँ, और यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और डॉट, सॉरी यहाँ पे वेक्टर ए ले लिया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे मैं कुछ कलाकारी किया हूँ, कलाकारी ये है कि ये वाला देखिए B क्रॉस C, यहाँ पे B क्रॉस C लिया हूँ और डॉट में A, और बाकी जो है आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से A और यहाँ से B और यहाँ से C, ये मैं तीनों के एक साथ किया हूँ, और यहाँ से आप देखेंगे तो फिर B क्रॉस C, नहीं आपको समझ में आता है तो B क्रॉस C इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना में B क्रॉस C मल्टीप्लाई कर दीजिए और इतना में B क्रॉस C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ऐसे ही रखना है, इसके जगह पर आप जो है इसको ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे ही रखना है, अच्छा इसको ऐसे ही रखना है, यहाँ पर वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, इसका सेम का क्या होता है, जीरो होता है इसका वैल्यू, तो आप जीरो भर दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए A आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बी सी ए को आप ए बी सी लिख सकते हैं, और फिर आप जो है इसको तो ए बी सी रहे करेगा, और ये दो को है तो एक जैसा हो जाएगा, यानी कि यही हमको लाना था। तो आई होप कि थोड़ा सा इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि वेक्टर का जो है हम लोग सॉरी कैलकुलेशन करते कैसे हैं, बहुत इसमें सावधानी से, बाकी और मैथों से बिल्कुल ये हट करके है, तो सावधानी से इसको सॉल्व करना है, और क्या सॉल्व करके क्या लाना है, थोड़ा सा डॉट और क्रॉस में आपको काफ़ी जो है मैंने जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास का आना चाहिए, ताकि आप डॉट और क्रॉस में अटके नहीं, अगर उसमें अटक जाएंगे तो यही से क्वेश्चन आपसे बिल्कुल अटक जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी समझ में आएगा, वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो जबरदस्त धांसू शानदार सटीक लेकर आते रहता हूँ। ये अभी मैं बीएससी पार्ट टू का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बीएससी पार्ट वन का टोटल वीडियो मैं डाल दिया हूँ, चैनल पर मिल जाएगा, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसका बीएससी पार्ट थ्री का वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत